नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही जबरदस्त वीडियो। बस इस तरह आंख में लगाएं काजल, आप जिसका भी नाम लेंगे वो खुद आएगा आपके पास। जी हाँ दोस्तों, सूरमा दो तरह का होता है, एक सफेद सूरमा और दूसरा काला सूरमा। काले सूरमे का काजल बनता है। सूरमा लगाने का प्रचलन मध्य एशिया में भी हो रहा है और भारत में तो ये बहुत ही तीव्र रूप से प्रचलन में है। दोस्तों, औरतों के साथ साथ ऐसे बहुत से पुरुष भी हैं जो काजल को लगाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये आंखों में लगाने से मनुष्यों को बहुत ही लाभ देता है, आर्थिक रूप से बहुत ही लाभदायी होता है। आजकल लोग तरह तरह का काजल लगाते हैं, तरल काजल, डंडी वाला काजल, जेल का काजल और काजल बॉक्स का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा काजल बनाना बताएंगे जिसकी मदद से आप चाहें जिसको भी अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आप कोई भी एक शुभ दिन चुन लें और इस शुभ दिन के दिन आप ये प्रयोग करें। इस प्रयोग को करने के लिए या इस टोटके को या वशीकरण को करने के लिए आपको एक गुलर का फूल लेना होगा और आपको थोड़ी सी रुई लेनी होगी। इसके बाद आप एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा तेल भर करके रख दें। दीपक इतना बड़ा लें कि वो काफी घंटों तक जल सके, जिससे कि काजल बन पाए। इसमें आप रुई की बत्ती लगाएं और एक गुलर का फूल डाल दें। अब आप नहा धोकर के अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं। इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी शुभ दिन का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप मंदिर में बैठ जाएं तो अपने सामने हनुमान जी का कोई चित्र रख लें। यदि स्त्रियां इस प्रयोग को करना चाहती हैं तो वे माता बगलामुखी की मूर्ति को या तस्वीर को अपने सामने रखें। अब आप इस उपाय को जिस भी शुभ दिन करेंगे आपको बराबर ही फल मिलेगा। अब आप इस बत्ती को प्रज्वलित कर दें और इसके ऊपर एक मिट्टी का कोई भी बर्तन रख दें, जिससे कि काजल सारा उसमें इकट्ठा हो जाए। आप चाहें तो लोहे के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से इकट्ठा हुआ काजल बहुत ही लाभदायक होता है, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। यदि किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो भी इस काजल का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए हम आपको अलग वीडियो में उपाय बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें, हम आपको उसके लिए भी वीडियो बना करके दिखा देंगे। फिलहाल हम सभी को वश में करने के लिए इस काजल का प्रयोग बता रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसमें से एक लौ निकलती है जो कि काले रंग की होती है। उस लौ की भाप से इकट्ठा होकर के आप काजल इकट्ठा बना सकते हैं। कम से कम 4-5 घंटे तक इस लोहे के बर्तन को इसके ऊपर लगा रहने दे, जिससे कि ये काजल इकट्ठा हो जाए। अब इस निकाले गए काजल को रात में अपनी आंखों में लगाने से आप जिसे चाहें उसे अपने वश में कर सकते हैं। अपनी आंखों में इस काजल को लगाएं और जिस किसी को भी आप वश में करना चाहते हैं उसका एक बार नाम लेकर के सो जाएं। अगले दिन आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसा काजल अगर आप बना लें तो ये किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई और व्यक्ति इसका कोई गलत इस्तेमाल करने लगे। इसके अलावा दोस्तों, लौकी के तेल को किसी भी लाल रंग की बत्ती के साथ जलाने से तैयार जो काजल होगा उसे अपनी आंखों में लगा करके आप जिस किसी की भी तस्वीर को देखेंगे और उसका नाम लेंगे तो वह आपके वशीभूत हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको वश में करने के कुछ खास उपाय बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।